भक्तगणों की ओर से कस्बा उज्जैन स्थित श्री राम मंदिर पर उक्त मंदिर के 12वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर श्री हनुमंत कथा का आयोजन हुआ। इस कथा के अंतिम दिन श्री राम यज्ञ एवं भंडारा प्रसादी आदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में कस्बा उज्जैन सहित भरतपुर, जयपुर, मथुरा, आगरा आदि स्थानों के श्री राम भक्तों ने भी भाग लिया। कथावाचक अंकिचन महाराज ने कहा कि घमंड इंसान के जीवन का पतन कर देता है। इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम के भक्त हनुमान महाराज ने बालपन से आज तक अनेक बड़े कार्य किए, जिन कार्यों पर हनुमान जी को तनिक भी घमंड आया। उन्होंने कहा कि घमंड, अहंकार, क्रोध, लालच आदि का त्याग और भगवान श्री राम की सेवा करने के कारण हनुमान जी आज भी पूजनीय है। कार्यक्रम के सेवक सुरेश बंसल एवं डॉक्टर मदन मोहन बंसल ने बताया कि श्री राम मंदिर के 12वें स्थापना दिवस पर 94वां श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 26 फरवरी से 29 फरवरी तक हुआ। कार्यक्रम के तहत हनुमान कथा, श्री राम यज्ञ, महाआरती, प्रसाद आदि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कस्बा उज्जैन में संचालित गुरुकुल में अध्ययनरत देश के विभिन्न छात्रों के विद्यार्थियों का सम्मान कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता तारा चंद गुप्ता, सेवानिवृत्त शिक्षाविद कपूर चंद गुप्ता, शिक्षाविद रिखव चंद मित्तल, उद्योगपति राम अवतार गुप्ता, कमलेश चौधरी आदि का विशेष सहयोग रहा। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट।